हेलो एवरीवन, आप सोच रहे होंगे मैंने पानी के साथ ये क्या ड्रॉप डाल के पिया है, राइट? मैं क्या मैं सही हूँ? यस, मैंने क्या किया, ये मरे हुए पानी को मैं जिंदा किया। अरे, मरे हुए पानी को जिंदा करना ये क्या बात होता है, राइट? यही तो स्पेशलिटी है। आइए, मैं डोलो मैंने सही किया, आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ कि यह है क्या। दोस्तों, हमारे बॉडी में, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, मिनरल्स बहुत ही एक जरूरी न्यूट्रिएंट्स है, राइट? और ये मिनरल्स मिलता कहाँ से है? जमीन, मिट्टी और पानी से। आज के जो डेट पे क्या हम जो पानी पी रहे हैं उसमें मिनरल्स है? हमारे बॉडी को जितना भी मिनरल्स चाहिए होता है क्या वो मिल रहा है? और अगर मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो गया तो मान लीजिए आपकी बॉडी के फंक्शंस में, एक्टिविटी में बहुत दूर आप चले जाएंगे, बहुत पीछे चले जाएंगे और जितनी भी प्रॉब्लम्स होगा वो स्टार्ट होना शुरू करता है, मतलब वो स्टार्ट होता रहता है। तो अगर मिनरल डेफिशिएंसी बचना है, अगर मिनरल डेफिशिएंसी को रोकना है तो डेफिनेटली हमें इसका उपाय चाहिए, क्योंकि आजकल डेट में पानी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है जहाँ पे मिनरल्स नहीं होता है, राइट? क्योंकि हम फिल्टर करके पानी पीते हैं और फिल्टर में हमारे मिनरल्स इम्प्योरिटीज़ के साथ साथ मिनरल्स भी क्या करते हैं, वो फिल्टर कर देता है। तो बॉडी में हम क्या पीते हैं? मुर्दा पानी, मतलब डेड वाटर हम पी रहे हैं। जो पानी का जो प्यार जो है वो तो बुझाता है, लेकिन आपका मिनरल्स वाला पानी हम नहीं पी पाते तो वो डेफिशिएंसी स्टार्ट होता है। और ये डेफिशिएंसी से होगा क्या, आपका जो सेल्स है वो जॉइंट हो जाएगा, ट्यूमर्स लेके कैंसर तक, या छोटे बड़े बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, बॉडी एक्टिव नहीं होता है, ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। तो जितने भी हम खाना खाते हैं, जितने भी विटामिन खाते हैं, हम वो विटामिन बॉडी में सर्कुलेट नहीं होता है जो मिनरल्स उसको करता है, राइट? और ये मिनरल डेफिशिएंसी को अगर हटाना है हमें अच्छा पानी पीना होगा, मिनरल वाला, या अच्छा खाना खाना होगा। या हमारे खाने से 16 टू 18 तक मिनरल्स हमको मिल जाता है, लेकिन हमारे बॉडी में कितना चाहिए? 60 मिनरल्स हमारे बॉडी में चाहिए होता है एवरी डे। तो उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन मेरे पास है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये है वेस्टिज का CMD, कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स, राइट? सही सुना आपने। और ये CMD, ये मिनरल ड्रॉप है जो कि नेचुरल प्रोसेस से इसको बनाया गया है, और नेचुरली बनाने के कारण ये डायरेक्टली हमारे बॉडी में क्या करता है, जल्दी असर करता है और हमारे मिनरल डेफिशिएंसी को कम करता है। और ये क्या करता है, आपके बॉडी को जो एसिड क्रिएट करता है बॉडी, वो एसिड को कम करने में मदद करता है, बॉडी को अल्कलाइन करता है, और अल्कलाइन बॉडी जिसके पास है, शरीर में अल्कलाइन शरीर जिसके पास है, वो खुश नसीब है इस दुनिया में। और ये करता है क्या, आपका एसिडिटी में भी काम करता है बॉडी को अल्कलाइन करके। अभी करता क्या, आइए एक डेमो दिखाते हैं, राइट? ये तो मिनरल वाला पानी हो गया, CMD वाला, तो इसको मैं हटा देती हूँ, आपको एक टेस्ट डेमो करके दिखाती हूँ। चलिए, ये हो गया पानी, ये है pH टेस्टर, ये आपको केमिकल शॉप में मिल जाएगा या आप ऑनलाइन भी इसको ला के आपका घर का जो पानी है वो टेस्ट कर सकते हैं। मिनरल पानी को अगर आप बाहर में खरीदने जाएंगे तो वो कितना होता है, 250 ऐसे करके 1 लीटर का लेता है, जो एयरपोर्ट में मिलता है खासकर। लेकिन हम जो पानी पीते हैं बाहर से हो, या उसमें मिनरल नहीं होता है, पैकेज ड्रिंकिंग होता है वाटर होता है, या फिल्टर पानी टोटली डेड वाटर होता है। तो आइए आपका ये पानी जो है हम टेस्ट करते हैं, इसका पीएच बैलेंस कितना है, कितना एसिड है, कितना अल्कलाइन है, राइट? चलिए, ये हो गया, हमने डाल दिया, ओके, चलिए इसको मैंने डाल दिया। आप देख पा रहे हो पानी का कलर चेंज हो गया, राइट? ये पानी का कलर चेंज हो गया, मतलब ये इसमें मिनरल्स नहीं है, ये 5
सिक्स तक जो होता है, सिक्स मतलब एसिडिक पानी में से होता है ये सिक्स। तो इसको हम लोग करना क्या है, अल्कलाइन करना है। अल्कलाइन करने के लिए हमने क्या डाला, ये CMD डाल दिया। इसका रिजल्ट आप देख सकते हो अभी। ओके, जादू, ये मिरेकल हो गया। आप देख पा रहे हो इसका कलर क्या है अभी, ब्लू, राइट। ये ब्लू कलर का इसका पानी का कलर जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब ये अल्कलाइन हो रहा है। पानी में जितनी भी एसिड थी उसको क्या कर दिया, काट के इसको अल्कलाइन बना दिया। अगर ये पानी हम पीते हैं, ये वाला हम पानी पीते हैं, तो डेफिनेटली बॉडी में जो मिनरल चाहिए होगा वो हमको मिल जाएगा, राइट। तो आपने डेमो देखा, तो आप भी अगर चाहते हो कि आपकी बॉडी में बॉडी अल्कलाइन हो, आपकी बॉडी में पानी अल्कलाइन जाए, आप पानी को जिंदा करके पीना चाहते हो, तो डेफिनेटली वेस्टेज का CMD लेना बहुत ज़रूरी है और इसको स्टार्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। इसका एज लिमिट कुछ नहीं है, आप बच्चे इसको भी पिला सकते हो, आप खुद भी पिला सकते हो, लेकिन इसका एक कप को ध्यान रखना होगा। CMD किसी भी मेटल रिलेटेड जो बर्तन होता है या ग्लासेस होता है उसमें नहीं पीना है। कांच का होना चाहिए, प्लास्टिक का होना चाहिए, उसमें आप CMD पी सकते हो, राइट। तो देर ना कीजिए, CMD जल्दी से लाइए, आपके जो भी कॉन्टेक्स में है CMD आप मंगवाओ और उसके साथ इसको लेना स्टार्ट करो, यूज़ करना स्टार्ट करो। थैंक यू सो मच। मैं फिर से और नया इन्फॉर्मेशन लेके आपके पास आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, विश यू वेल।